दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन कमाल के ऑफर के बारे में बताऊंगा। उसमें से दो ऑफर अच्छी है, एक ऑफर बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ अलग है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑफर को अप्लाई कर दिया और उनको क्वेरी आ रही थी कि ऑफर को अप्लाई कर दिया, इतना कैशबैक नहीं मिला हमें जितनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था। तो ये वाला वीडियो आप पूरा अंत तक देखना। उसके बाद दो ऑफर को अप्लाई करने के बाद तीसरी ऑफर में क्या क्वेरी है और लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी सुन लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। सभी ऑफर्स के अपडेट सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली ऑफर निकल के आती है ग्रैबॉन वेबसाइट की ओर से। आपको पता होगा कि ग्रैबॉन वेबसाइट पेटीएम के साथ मिलकर कुछ यूपीआई वाली ऑफर लाता रहता है। इसी तरह आज ग्रैबॉन वेबसाइट ने एक यूपीआई से मिलकर ऑफर निकाली है, जहाँ पे अगर आप ग्रैबॉन वेबसाइट से अभी अमेजोन का गिफ्ट कार्ड लेते हो 50 50 रुपीज़ करके 7 बार, तो पेटीएम आपको 30 रुपीज़ का कैशबैक दे देगा। लेकिन पेमेंट आपको पेटीएम यूपीआई से ही करना है। और ग्रैबॉन वेबसाइट से गिफ्ट कार्ड लेने का दूसरा एक फ़ायदा होगा कि जहाँ पे आपको पर गिफ्ट कार्ड पे 250 रुपीज़ का लाइब्रेट का गिफ्ट कार्ड फ्री में मिलेगा। लाइब्रेट का गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा 250 रुपीज़ का और अमेजोन का गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा। और लाइब्रेट का गिफ्ट कार्ड लोगे तो इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि लाइब्रेट कैश का पूरा यूज़ नहीं होता, फिर भी बेनिफिट है। तो यहाँ पे ग्रैबॉन वेबसाइट पे जाओ, जो भी गिफ्ट कार्ड आपको पसंद है वो गिफ्ट कार्ड ले लो, पेमेंट पेटीएम यूपीआई से कर दो। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद जब कैशबैक वाले सेक्शन पे जाओगे तो ऑफर को एक्टिव करने के बाद यहाँ पे ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन है कि फोर्थ बार जब यूपीआई आएगा तब 15 रुपीज़, सेवन्थ बार यूपीआई आएगा तब 15 रुपीज़। इस तरह आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। सेम प्रोसेस पैसा वापस ने आज ऑफर निकाल दिए 12 बजे के बाद, तो यहाँ पे वो ऑफर भी मैं आपको समझा देता हूँ। सेम प्रोसेस फिर भी समझाने का ट्राई करता हूँ। पैसा वापस एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पे ऑफर्स हो जाएगी जहाँ पे लिखा होगा कि आपको 7 बार 50 50 रुपीज़ करके हर बार पेमेंट पेटीएम यूपीआई से कर देना है। लेकिन जब पहला ट्रांजेक्शन करो ऑफर को कलेक्ट करने के बाद दूसरे और 6 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दोगे तो आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे पैसा वापस का गिफ्ट कार्ड लेना चाहते हो तो पैसा वापस का 50 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड ले लो। अमेजोन का गिफ्ट कार्ड लेना चाहते हो तो अमेजोन का गिफ्ट कार्ड ले लो। पैसा वापस का लोगे तो वो गिफ्ट कार्ड को आप पेटीएम गिफ्ट कार्ड में भी कन्वर्ट कर सकोगे। इसके लिए मैं अभी 50 रुपीज़ का पैसा वापस का खुद का गिफ्ट कार्ड ले लेता हूँ। पेमेंट में यहाँ पे पेटीएम यूपीआई से कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद पेटीएम में कैशबैक वाले सेक्शन पे जाने के बाद ऑफर को एक बार एक्टिव कर दूंगा। उसके बाद और 3 ट्रांजेक्शन करूंगा, मीन्स चौथा ट्रांजेक्शन जब आएगा तो मुझे यहाँ पे 15 रुपीज़ का कैशबैक पेटीएम वॉलेट में मिल जाएगा। उसके बाद जब लास्ट ट्रांजेक्शन आएगा 7वां, तो वहाँ पे भी मुझे यहाँ पे 15 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। चौथा और 7वां ट्रांजेक्शन पे आपको 15 15 करके कैशबैक मिल रहा है यहाँ पे। तब अमेजोन भी अपने अमेजोन गिफ्ट कार्ड पे अमेजोन खुद ही कैशबैक दे रहा है। मैंने आपको टेलीग्राम पे आज दो ऑफर बताई थी, जहाँ पे पहली ऑफर थी कि एप्लीकेशन पे खुद ही अमेजोन का गिफ्ट कार्ड बेच रहा था 3000 रुपीज़ का, 2925 रुपीज़ में कुछ मिल रहा था। उसके बाद अमेजोन ने फिर से ऑफर निकाली जहाँ पे ऑफर कलेक्ट करने के बाद अमेजोन का गिफ्ट कार्ड लेना था, 5% कैशबैक के हिसाब से अमेजोन आपको कैशबैक दे रहा था। तो अमेजोन अभी खुद भी चाहता है कि आप अमेजोन का गिफ्ट कार्ड यूज़ करो, क्योंकि अमेजोन पे बैलेंस का अभी कहीं पे भी रास्ता नहीं है कि बैंक में ट्रांसफ़र करें या पेटीएम में। एक जूपी गोल्ड है एप्लीकेशन, लेकिन बहुत सारे लोगों के पैसे फंस चुके हैं जूपी गोल्ड में, क्योंकि जूपी गोल्ड एप्लीकेशन में क्विज होती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और वो यहाँ पे सब कुछ चेंज करता रहता है। क्योंकि अगर एप्लीकेशन इतना ज़्यादा पैसा बांटने लगेगा, सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने को ही एप्लीकेशन यूज़ होगा, तो एप्लीकेशन का कितना बड़ा लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो इसी तरह जूपी गोल्ड एप्लीकेशन अभी कमा रहा है, लोगों के पैसे फंसा रहा है और वो भी कमा रहा है, और आपको यहाँ पे 3 4 लोगों के पैसे ट्रांसफर कर रहा है, बाकी का यहाँ पे फंस जाता है पैसे, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन इतनी हिडन होती है कि पैसे आपको यहाँ पे विनिंग अमाउंट मिलती ही नहीं। जूपी गोल्ड एप्लीकेशन का भी सहारा मत लो अमेजोन पे बैलेंस को पेटीएम में ट्रांसफर करने के लिए। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन मुझे मिलता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन अभी जूपी गोल्ड एप्लीकेशन को रहने दो। उसके बाद यहाँ पे टॉकचार्ज एप्लीकेशन एक बहुत ही कमाल के ऑफर निकाली। ऑफर क्या है कि अगर आप टॉकचार्ज एप्लीकेशन में 5000 रुपीज़ ऐड करते हो तो टॉकचार्ज आपको 1555 रुपीज़ का कैशबैक दे रहा है। तो आप सोचोगे कि भाई वाह बहुत बड़ी लूट है, लेकिन इन्होंने हिडन टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आ गया होगा जिनको भी टॉकचार्ज एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड किया, सारे लोगों को मैसेज आते ही है टॉकचार्ज के। वहाँ पे भी आपको बताया गया है कि 5000 रुपीज़ ऐड करो और ये कोड दिया है गेट 1550 वाला, वो कोड अप्लाई करो, आपको 1555 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन आप 5000 रुपीज़ ऐड भी करोगे, वो कोड भी डालोगे, फिर भी आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद 24 आवर के बाद आपको सिर्फ 200 रुपीज़ का ही कैशबैक मिलेगा, 1555 रुपीज़ का कैशबैक नहीं मिलेगा। इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी है कि आप जब 5000 रुपीज़ ऐड करो
आपको एक रुपीस का भी विड्रॉ नहीं करना है। उसके बाद आपको 24 आवर में 200 रुपीस मिल जाएगा। वो 200 रुपीस और वो 5,000 रुपीस आप वहीं पे भी रहने दो, एक रुपीस का भी यूज मत करो। जब नेक्स्ट मंथ आएगा तब आपको 200 रुपीस मिलेंगे, वो 200 रुपीस, ये 200 रुपीस और वो 5,000, एक रुपीस का भी आप यूज मत करो। वो सारे पैसे टॉक चार्ज में ही रखो। इस तरह आपको 6 मंथ के लिए सारे पैसे टॉक चार्ज में ही रखने। अगर आप एक पैसे का भी विड्रॉ करोगे या रिचार्ज वगैरह करवाओगे तो आपको जो 200-200 रुपीस करके हर मंथ मिल रहे हैं वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, कैशबैक नहीं मिलेगा। तो इससे टॉक चार्ज क्या करता है कि हमारे पास से पैसे तो ले ले रहा है लेकिन हमें एक रुपीस भी यूज करने को नहीं देता है। तो ऐसे घटिया ऑफर को आप यूज मत करो, और ऑफर को अप्लाई करने से पहले सभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, उसके बाद ऑफर को अप्लाई करो। वो ऑफर अच्छी है लेकिन अगर इंस्टेंट कैशबैक दे देता तो मैं तो आपको बता ही देता, लेकिन इंस्टेंट कैशबैक नहीं देता। इन लोगों ने छुपी ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन रखी है जो आपका ही नुकसान करवाएगी, ये वाली ऑफर। और टॉक चार्ज इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, काफी सारे ट्रांजेक्शन में एरर आ जाती है। मैं खुद भी यूज करता हूँ रिचार्ज वगैरह करने में तो काफी बार एरर आती है। तो टॉक चार्ज एप्लीकेशन में ये वाली ऑफर को तो बिल्कुल भी यूज मत करना, आपके पैसे फंसे रहेंगे 6 मंथ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपनी ओर से एक लाइक जरूर कर देना।